हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन एक विजुअल मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसकी सेडिंग की वजह से ब्लड का वेजाइना के थ्रू आउटफ्लो होता है, जिसको हम ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक मंथली साइकिल होता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एग के प्रिपरेशन से और एंड होता है एंडोमेट्रियम की सेडिंग में जाके एंड होता है। उसके बाद हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यूटेरस में इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम वॉल होती है, जिसकी सेडिंग की वजह से ब्लड का वेजाइना से आउटफ्लो होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लूड बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। फर्स्ट है मेनार्की। मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी के बाद जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेंज, मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 to 35 डेज की रेंज होती है। ब्लीडिंग ड्यूरेशन 3 to 5 डेज। ब्लड लॉस, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 20 to 80 ml ब्लड लॉस हो जाता है। यूमेनोरिया, यूमेनोरिया नॉर्मल और रेगुलर मेंस्ट्रुएशन को यूमेनोरिया बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी और यूटेरस में चेंजेस होते हैं, जिसको अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है। ओवेरियन चेंजेस में दो फेज होती हैं, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। और यूटेराइन चेंजेस में तीन फेज होती हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलीफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। अब हम पढ़ेंगे ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस पढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्मोन। हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH, LH, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी पे जाके एक्ट करते हैं, और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवेरियन चेंजेस। फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे जाके एक्ट करता है, जिससे फॉलिकल ग्रोथ करते हैं। एक फॉलिकल फास्ट ग्रोथ करता है, जिसको डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। ये डोमिनेंट फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्शन से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सप्रेस होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होता है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैच्योर फॉलिकल, जिसको कि ग्राफिन फॉलिकल भी बोलते हैं, उस पर जाके एक्ट करेगा, और इसके बाद ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम रिलीज करता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। रप्चर जो ग्राफिन फॉलिकल होते हैं, रप्चर ग्राफिन फॉलिकल के पीसेस होते हैं, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसके बाद आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो रप्चर पीसेस हैं, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम के जो पीसेस होते हैं वो डिसअपेयर होने लगते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस बनते हैं और 28 डेज में पूरी तरह से कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद इस पूरी प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओवेरियन साइकिल में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा, 1 to 14 डेज की फॉलिकुलर फेज होती है, और ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज तक क्या होती है, ल्यूटियल फेज होती है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल ग्रोथ कर रहा है, ये साइज में इंक्रीज हो रहा है, और फिर इसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो धीरे धीरे 28 डेज तक डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूटेराइन चेंजेस। यूटेराइन चेंजेस में फर्स्ट है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर होने लगते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होने से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा,
हाइपोक्सिया होगा, इस्चेमिया होगा और इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम सेल डेड होती है और यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। यूटेरस की जो आर्टरी हैं वो ब्लीड करने लगती हैं, इसको यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं। यूटेराइन ब्लीडिंग की वजह से ब्लड जो होता है वो यूटेरस में फिलअप होता है और सेंसेशन क्रिएट करता है। ये सेंसेशन हाइपोथैलेमस में जाते हैं और हाइपोथैलेमस से पोस्टेरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का वेजाइना के थ्रू आउटफ्लो होता है जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं और इस फेज को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं और ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ब्लीडिंग फेज के बाद स्टार्ट होती है प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की सेडिंग हो जाती है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो जाती है ब्लीडिंग के टाइम पे, उसके बाद अब एंडोमेट्रियम फिर से प्रिपेयर होगी प्रोलीफरेटिव फेज में। तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है। प्रोलीफरेटिव फेज 6 to 14 days में ये प्रोलीफरेटिव फेज होती है। इस टाइम पर ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, उसका एक्शन होता है यूटेरस पर और यूटेरस पर एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया शो करता है। हाइपरप्लेजिया मतलब कि होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी और इस फेज में 2 to 3 mm तक एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद होती है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज 15 to 28 days में ये फेज होती है। इस फेज में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करते हैं, उसका एक्शन कहाँ होता है, यूटेरस में होता है और ये हार्मोन हाइपरट्रॉफी शो करता है। हाइपरट्रॉफी मतलब कि सेल की साइज को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी इंक्रीज होती है और इसकी थिकनेस इस फेज में 5 to 6 mm तक हो जाती है जो कि इसकी नेचुरल थिकनेस होती है। इस पूरी प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये यूटेराइन साइकिल है, मेंसेस, ब्लड का आउटफ्लो, प्रोलीफरेटिव फेज, धीरे धीरे थिकनेस इंक्रीज होगी एंडोमेट्रियम की और सेक्रेटरी फेज में पूरी तरह से नॉर्मल थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम की नेचुरल, और इस तरीके से ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।